देखो मत वेरी गुड अरे हो गया ओके ओ चेरी को पकड़े रहे चेरी बेटा पिछली बार तो तूने बहुत काम से लगवाया था है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि चेरी जा रही है वैक्सीनेशन के लिए और चेरी को ले जा रहे हैं सूरज भैया और राज भैया क्योंकि इसकी एक वैक्सीनेशन पेंडिंग है, वो बहुत जरूरी है इसके लिए। तो आपको दिखाते हैं इसकी वैक्सीनेशन कैसे होने वाली है। चल बैठो चेरी थोड़ी सी डर गई है। बैठो, मैं अभी पार्किंग में लगाता हूँ। और गाइस, हम लोगों ने रेसिप कटवा ली है और अब हम जा रहे हैं चेरी को वैक्सीनेशन सेंटर। सो गाइस, तो ये है कुछ हमारे नए दोस्त जो कि अभी जख्मी से हैं, कुछ इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। देखने में बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होते हैं। सो गाइस, इनकी टेक केयर करनी होती है इसलिए यहाँ पे हैं। जब ये अच्छे हो जाएंगे तो फिर इन्हें देखना होगा क्या होता है। ये बहुत ही प्यारी सी एक ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है ये? चेरी के साथ फ्रैंक भी कर रही है, इनकी दोस्ती हो गई है और बहुत मजे कर रहे हैं। चेरी का बस टर्न आने वाला है, हम चलते हैं वैक्सीनेशन की ओर। सो गाइस, तो चेरी है हमारी अमेरिकन बुली। आपको एक और ब्रीड से मिलवाते हैं जो भी अमेरिकन बुली है, कुल प्यारी और चेरी की तरह लग रही है। और चेरी की बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है लीजा। ये है शायद, मुझे नहीं पता कौन सी ब्रीड है ये, कमेंट करके जरूर बताना कि ये ब्रीड कौन सी है। देखने में मुझे तो काफी डर लगा। बहुत सारे दोस्त उसको मिल रहे हैं। क्या नाम है इसका? कैम। सो इसे कहते हैं दोस्ती, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप। गाइस, हम आपको अब मिलवाते हैं हमारे कुछ और प्यारे दोस्तों से जो कि यहाँ सारे आराम कर रहे हैं। अभी एक तो आने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पास, सारे बेड पे लेटे हुए हैं। तो क्या हो गया चेरी? हेलो चेरी, गुड बेबी। मेल है फीमेल? फीमेल। कुछ टेबल पर रख लो। ठीक है, खाना पीना ठीक है ना? खाना पीना तो हमने बहुत सही से करा रखा हुआ है। फूड होता है ना, वो ये उस पर जोर नहीं देती खाने पे। तो ये जैसे हम लोग कुछ खा रहे थे, पराठा खा रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे। नहीं, ज्यादा ऑयली बेस मत खिलाओ इसको। यदि फूड नहीं खा रहा है ना तो आप अभी सेरेलेक दे सकते हैं इसको, दही चावल दे सकते हैं, दही खिचड़ी दे सकते हैं, पनीर का टुकड़ा दे सकते हैं। लेकिन ऑयली बेस ज्यादा खिलाने से है ना, एक तो इसका डाइजेशन सिस्टम भी खो जाएगा और दूसरे कभी लूज मोशन करने लगेगा, वॉमिटिंग वगैरह भी करने लगेगा। तो इस वजह से जो घर का खाना, यदि बाहर का नहीं खा रहा तो फूड नहीं खा रहा तो घर का खाना खिलाइए। लगते हैं पूरा कंप्लीट होता है ना पैकेट। उसको नहीं, अभी इसका देख रहा हूँ। चेरी को पकड़े रहे चेरी बेटा चेरी पिछली बार तो तूने बहुत काम से लगवाया था है? कोई ब्रीड का हो, कोई देसी हो, कोई भी हो, जो भी एनिमल्स लव करते हैं ना, जो भी पालते, हर किसी को वैक्सीन लगना चाहिए। वैक्सीन बहुत जरूरी होता है, सारी वायरल डिजीजेस सेफ रहता है और उसकी भी सेफ्टी रहती है। तो हर किसी को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। सर, अगर किसी को डॉग अगर कभी गलती से अगर बाइट हो जाती है तो इन केस उस सर्कमस्टेंस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डॉग बाइट हो जाती है तो वो नॉर्मल चीज़ है। अभी तो किसी डॉग ने बाइट कर लिया है तो आप इमीडिएटली बहते हुए पानी में नल के नीचे किसी भी शॉप से धो सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं और उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डॉग ने काट लिया तो मुझे हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको साबुन से धो लीजिए और अच्छी तरह से साफ करके, बेटाडीन लोशन आता है, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन आता है, उसको आप लगा सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, हम यहाँ पे हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, अलग अलग ब्रीड से हम लोग मिले, जैसे कि ये बिकल ब्रीड, पोमेरियन, जर्मन शेफर्ड।
तो सर ने काफ़ी ब्रीड्स को, काफ़ी डॉग्स को नई जिंदगी भी दी है और काफ़ी को रिकवर भी किया है, और अभी भी जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ ब्रीड्स आराम कर रही है डॉग्स की। सर आपसे मिल के बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू, जय हिंद, टेक केयर। वैक्सीनेशन लगने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, हमने सोचा कि थोड़ा इसे रेस्ट दिया जाए, तो हम अभी आए हैं सूरज भैया के घर जो कि वैक्सीनेशन सेंटर से खलते हैं। अब सूरज भैया के घर थोड़ा सा चेरी को आराम दिया जाए। अच्छा आंटी, पहचान लिया आपको? लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, चेरी को अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर, और चेरी अब काफ़ी रिलैक्सिंग फील कर रही है कुछ देर आराम करने के बाद। तो देखते हैं, हम घर जाते हैं और फिर चीकू को लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। घर आने के बाद चीकू, चेरी को वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीन लग चुकी है चेहरे को, चेहरे दर्द हुआ आपको? कान लगाई और बहुत प्यार कर रही है, बहुत खुश है ये घर वापस आके। चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, 22 तारीख को बोला था ना डॉक्टर ने। देखो चेरी कितनी अच्छी है, चेरी को तो सारे उसके चेकअप्स हो चुके हैं, आप भी चलो ना। जाओ चीकू, जाओ। ठीक है, हम चलते हैं, लेट्स गो। क्या हुआ था बेटा बताओ, यहाँ पे किसने काटा आपको? कुत्ते ने। कुत्ते ने? अच्छा, कुत्ते से क्या कर रहे थे आप? खेल रहा था। खेल रहा था? कुत्ता घर का था कि बाहर कुत्ता था? घर का था। घर का था? अच्छा, तो तुम्हारे जब लाए थे घर पे तो बच्चे को जो कुत्ता था आपका उसको टीके लगे थे? नहीं, नहीं टीके लगे थे। मेरी गोलू माँ ने लगाया था। ओके, कुत्ते को लगाया था, वेरी गुड। बस एक बार लगाया, बस एक बार लगाया था। और कहीं पे कुत्ते ने काटा है आपको, आपको का शरीर में? दिखाओ इधर, दोनों तरफ। इधर तो नहीं है, साइड साइड। इधर दिखाओ, ओ यहाँ पे है। ओ ये तो बहुत बड़ा मार्क काट दिया उसने। जब भी कुत्ते काटते हैं ना तो उसका जो है वायरस चला जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है ना, तो इसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, और 5 लेना होता है, 5। अभी नहीं, आज 3 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद। लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो। यस, वेरी गुड, ब्रीथ इन, ओके, ब्रीथ आउट, वेरी गुड। बहुत बड़ा पेट है भाई आपका तो, वेरी गुड। ओहो, इतना बड़ा पेट है, ओह माय गॉड, तुम बॉडी बिल्डर हो तुम तो यार। चलो ठीक है, बड़ा ध्यान रखना हाँ अपना। अब हम आपको 2 इंजेक्शन लगाएंगे, 1 दवाई देंगे। ये होता है टीटी वहाँ लगाते हैं और इंजेक्शन को 5 लगाना होता है। जी जी। आज 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 21 और 28, ठीक है, 0, 3, 14, 21, 28 डेज। ठीक है, क्या नाम है आपका? चिरायु मलिक। वेरी गुड, गुड नेम। स्कूल में बोलते चिरायु और घर में बोलते चीकू। ज़्यादा भी तो देखी था बच्चे ने, ये जो काटा काटने के बाद, ये काटने के बाद बेटा खून आया था क्या उसमें? खून आया था? अच्छा, कोई चक्कर वगैरह गिर के ऐसा कुछ होने की दिक्कत नहीं? ठीक है, उधर फेस करो, उधर देखो क्या है। ठीक है, दर्द नहीं होगा क्योंकि मतलब कभी दर्द नहीं होता है, समझ रहे हो? ठीक है, आराम से। हाँ, देखो मत, देखो मत, देखो मत। ओके, डरना क्या है, कुत्ते ने इतना काटा है, दर्द रहा तुम्हारे को, कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है भैया, करवा लीजिएगा। हाँ, चार्ट जरूर रह गया, और ये दवा लीजिए, हमने ऑगमेंटेड इंजेक्शन और सॉरी सिरप वो लगा ले लीजिएगा 5 डेज के लिए, एंड क्लीन द वुंड।
अरे कोई फ्रेश डोंट फाइट विद द डॉग अगर डॉग शुड बी वैक्सीनेटेड एंड गिव इट टू द डॉग नॉट योर्स ओके थैंक यू बाय बाय पतंग देखो आराम से आराम से चार इस कलर की दे दो कितने इस कलर की चार रंग बिल्ली दे दो यही मिलेगा भाई अलग अलग कलर में लेना अलग अलग कलर के ठीक है ये कौन से यही तो है जो हमने चार बोली है एक ही हो गई हाँ जी ये दे दो चार चार दे दो चार चार नहीं बेटा चार मिलेगी टोटल टोटल चार चार ये है चीकू के कुछ छोटे छोटे फैंस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं साथ में अब फोटो खिंचवाओगे चीकू के साथ हाँ। चलो इधर देखो वेरी गुड तो चीकू आ गया है ढेर सारी पतंगे चेरी हाँ पे लगा बेटा इंजेक्शन हाथ पे लगा है दर्द हुआ नहीं हुआ ओह माय गॉड इतनी सारी पतंग लाए हो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो कीप सपोर्टिंग अस घर में रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद